इब्तिदाए सुबह अमने का पढ़ता हूँ सुने मतला, आप हिंदुस्तान के हालात को देखें और सिर्फ चार शेर सुने। हिंदुस्तान के हालात को देखें, चार शेर पढ़ता हूँ दुआओं के साथ, मतला पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बताएं। वाकई अगर आप समझने वाले होंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। सुने, इब्तिदाए सुबह अमने का, इब्तिदाए सुबह अमने का तर्जुमा हमारे पास है। इब्तिदाए सुबह अमने का तर्जुमा हमारे पास है। इब्तिदाए सुबह अमने का तर्जुमा हमारे पास है। इब्तिदाए सुबह अमने का तर्जुमा हमने हक सर कटाए हैं, करबला हमारे पास है। हमने हक सर कटाए हैं, करबला हमारे पास है। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, जब मैं कल दूसरी जगह प्रोग्राम करने जाऊंगा इंशाल्लाह, तब आप सोचेंगे वाकई में क्या शेर पढ़ा गया, तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं, अब एक शेर पढ़ता हूँ दुआओं के साथ, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत को आप याद रखे ज़हन में, और हाजिर करता हूँ शेर दुआओं के साथ। सुने, इब्तिदाए सुबह अमने का तर्जुमा हमारे पास है। हमने हक सर कटाए हैं, करबला हमारे पास है। हाशिम भाई सुने, हम मुकर गए तो तुम कोई जंग जीत ही न पाओगे। सुने, हम मुकर गए तो तुम कोई जंग जीत ही न पाओगे। हम मुकर गए तो तुम कोई जंग जीत ही न पाओगे। हम मुकर गए तो तुम जंग जीत ही न पाओगे। ताकते तुम्हारे पास है, हौसला हमारे पास है। 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 और एक शेर दुआओं के साथ हाजिर करता हूँ, समाप्त कर ले। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बहुत भीषण आग लगी थी, बहुत जबरदस्त तरीके से आग लगी थी बिल्कुल। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझ जाए, और भी बहुत तरीके से सोचा कि बुझ जाए, लेकिन आग नहीं बुझी, आग नहीं बुझी। ने कहा कि मुसलमान को एक मैदान में इकट्ठा किया जाए। ऑस्ट्रेलिया के जो मुसलमान थे, सबको एक मैदान में इकट्ठा किया गया, और उनसे ये कहो कि वो दो रकात नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद, नमाज के बाद ही फौरन दुआ करें कि यहाँ बारिश हो। अब बारिश हो तो अब ये समझ ले आप, सबने दुआ की, नमाज पढ़ने के बाद दुआ की तो वहाँ बारिश हुई, बारिश हुई तो पूरी जंगल की जो आग थी सब बुझ गई। तो अब एक शेर पढ़ता हूँ दुआओं के साथ, हाजिर करता हूँ दुआओं के साथ। सुने, जरा एक बार बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने, हम दुआ को हाथ उठाए तो, हम दुआ को हाथ उठाए तो वक्त पीछे लौट आएगा। सुने, हम दुआ को हाथ उठाए तो वक्त पीछे लौट आएगा। हम दुआ को हाथ उठाए तो पीछे लौट आएगा, क्योंकि सारी कायनात का
सारी कायनात का रहनुमा हमारे पास है। और एक शेर मैं आपके हवाले करता हूँ बिल्कुल दुआओं के साथ, सुने सुने सुने। जिंदगी तेरे वजूद का कारवां बिखर न पाएगा, जिंदगी 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 तेरे वजूद का कारवां बिखर न पाएगा, जिंदगी तेरे वजूद का जब तलक नबी के इश्क का आईना हमारे पास है। जब तलक जब जब तलक नबी के इश्क का आईना हमारे पास है। जब तलक नबी के इश्क का आईना हमारे पास है। एक मतलब और दो शेर और नए समाप्त करें। आज बिल्कुल नए नए शेर सुने। हाँ हाजिर करता हूँ, सुने सुने। फिर दोस्त का शान पता क्यों नहीं देते, बिल्कुल हाजिर करता हूँ, सुने। फिर तो उसका शान पता क्यों नहीं देते, फिर तो उसका शान पता क्यों नहीं देते, फिर तो उसका शान पता क्यों नहीं देते, फिर तो उसका आसान 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 पता क्यों नहीं देते। तुम राह मदीने की दिखा क्यों नहीं देते, तुम राह मदीने की दिखा क्यों नहीं देते, तुम राह मदीने की दिखा क्यों नहीं देते, तुम राह मदीने की दिखा क्यों नहीं देते। और एक शेर दुआओं के साथ सुने। मदफन में नकीरों के सवाला से पहले, मदफन में नकीरों के सवालात से पहले, आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक, हाथों को उठा के, हाथों को उठा के। मदफन में नकीरों के सवालात से पहले, 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 नाते नबी उनको सुना क्यों नहीं देते, तुम नाते नबी उनको सुना क्यों नहीं देते, तुम नाते नबी उनको सुना क्यों नहीं देते, तुम नाते नबी उनको सुना क्यों नहीं देते। और एक शेर पढ़ता हूँ दुआओं के साथ, बात कर ले, आप भी शामिल हो जाइएगा, बिल्कुल हाजिर करता हूँ दुआओं के साथ, सुने। जो याद दिलाता वो फकत गुंबद खजरा, सुने। जो याद दिलाता वो फकत गुंबद खजरा, जो याद दिलाता वो फकत गुंबद खजरा, जो याद दिलाता वो फकत गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, वो दर्द जरा और बढ़ा क्यों नहीं देते, दर्द जरा और बढ़ा क्यों नहीं देते, वो दर्द जरा और बढ़ा क्यों नहीं देते, वो
दर्द जरा और बढ़ा क्यों नहीं देते, वो दर्द जरा और बढ़ा क्यों नहीं देते, वो दर्द जरा और बढ़ा क्यों नहीं देते। ये जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। फैजाने सरकार गौसे आदम, फैजाने सरकार गौसे आदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुकहा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। आप हज़रात तशरीफ रखें। आप लोग बैठ जाए तो हम شریف پڑھنے اللہ اللهم صل علی سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مطلب دو تین شعر اور پڑھتا ہوں، جماعت فرمائے ان کے ساتھ۔ زندگی یوں تو سب، زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر، जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर, इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। जिंदगी यूं तो सब, जिंदगी यूं तो सब बगदाद हो पाए अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। दाए बगदाद हो पाए अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या। एक शेर दुआओं के साथ हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें। मुश्को अंबर की भी मुझको आदत नहीं, इत्र की भी मुझे अब जरूरत नहीं। बात मरने के रुख पर मलो तो मुस्तफा का पसीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात हो। एक शेर और पढ़ता हूँ दुआओं के साथ, हुजूर मुफ्ती साहब के कदमों को चूम कर बिल्कुल हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें।
गीत रोशन हो गए ईमान का, काश गीत रोशन हो गए ईमान का, काश हर कोई हाफिज हो कुरआन का, काश हर कोई हाफिज हो कुरआन का, हर किसी का कला में खुदा से अगर जगमगाए सीना तो क्या बात है, हर किसी का कला में खुदा से अगर जगमगाए सीना तो क्या बात है, दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो सामने हो मदीना तो क्या बात है। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में पढ़ता हूँ, दुआओं के साथ समाप्त कर ले। ऐशो अपनी किस्मत पे तू नाज कर, जुबैर भाई हाजिर करता हूँ समाप्त करने के लिए दुआओं के साथ। हाजी साहब देखें आखिरी शेर आपके हवाले। ऐशो अपनी किस्मत पे तू नाज कर, हक ताला की रहे मत पे तू नाज कर, हक ताला की रहे मत पे तू नाज कर, तुझको इस उम्र में ना दे सरकार का मिल गया है खजीना तो क्या बात है, तुझको इस उम्र में ना दे सरकार का मिल गया है खजीना तो क्या बात है।